नमस्कार, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दिवाली एक बहुत पावन पर्व है, बहुत सुंदर त्योहार है। बच्चे पटाखे भी चलाते हैं, लेकिन उन पटाखों को चलाने में कई बार यदि पूरी सावधानी नहीं बरती जाए तो बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उन पटाखों के साथ वो जल जाते हैं। जलने के अलग अलग हमने डिग्रीज देखी हैं। कुछ बहुत सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं जो सिर्फ आपके ऊपर की सतह पर नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ उससे डीप बर्न्स होते हैं, कुछ बर्न्स के बाद आपके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, और कई बार जलन इससे ज्यादा गहरी होती है, नुकसान इससे ज्यादा होता है और आपके शरीर पर अल्सरेशन शुरू हो जाता है। यदि आपके बर्न्स, यदि आपकी जलन सुपरफिशियल है, कि सिर्फ ऊपर की पपड़ी पर हुई है, जो आपकी त्वचा है उसके सिर्फ ऊपर की सतह पर हुई है, इसके लिए कैलेंडुला मदर टिंचर का प्रयोग करना होगा। कैलेंडुला मदर टिंचर अपने आप में एक बहुत चमत्कारी दवाई है। जब भी किसी किस्म की सेप्टिसीमिया होने का डर हो, और खासतौर से जलने के बाद जब हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं, तो उस समय आप कैलेंडुला मदर टिंचर बाजार से लेके आ सकते हैं या पहले से लेकर अपने पास रख सकते हैं। कैलेंडुला मदर टिंचर के 10 ड्रॉप्स आप एक ग्लास पानी में डाल लीजिए। उससे जो सॉल्यूशन बनेगा, उससे जो घोल बनेगा, उसको घूंट घूंट करके आप पीते रहिए। 10 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आप उसको घूंट भरते रहिएगा। और ऐसा करने से दो बातें होंगी। बात नंबर एक, आपके शरीर में जलन नहीं होगी। बात नंबर दो, सेप्टिसीमिया नहीं होगा। और इसके अलावा आपके शरीर में उस जलने से जो भी दर्द का असर था, वह दर्द तत्काल खत्म हो जाएगा। मैंने कई बार कई पेशेंट्स को देखा है कि वो गंभीर रूप से जल जाते हैं, और जब उनको सामान्य पेन किलर दवाइयां भी आराम नहीं पहुंचा पाती हैं, तो ऐसे में कैलेंडुला का असर चमत्कारिक होता है और यह उस पेशेंट को बहुत आराम देती है। आप देखेंगे कि अगले दिन तक आपकी जलन का स्थान बिल्कुल ठीक हो चुका है, सामान्य त्वचा जैसा हो चुका है। कई बार बर्न्स सुपरफिशियल से ज्यादा गहरे होते हैं और आपकी स्किन की ऊपरी परत लगभग जल चुकी होती है, उससे गंभीर घाव हो चुके होते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाए जा रहे हैं, ऐसे जो डीप बर्न्स होते हैं, इन डीप बर्न्स के लिए हमें कैलेंडुला के मदर टिंचर के साथ साथ कुछ अन्य दवाइयों को सहारा भी लेना होता है। तब आप इसमें कॉस्टिकम 30, आर्सेनिकम एल्बम 30 और एकॉन 30 तीनों दवाइयां लेंगे। तीनों दवाइयों के 5-5 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिलाएंगे और उसको दिन में 3 या 4 बार लेंगे। ऐसा लेने से आपकी जो ऊपर की स्किन जल गई थी, वह स्किन दोबारा आनी शुरू हो जाएगी और आपको दर्द नहीं होगा, उसमें होने वाले घाव में सेप्टिसीमिया नहीं होगा। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि तीनों होम्योपैथिक दवाइयों कॉस्टिकम, आर्सेनिकम और एकॉन के साथ साथ आपको कैलेंडुला के मदर टिंचर को जैसे पहले सुपरफिशियल बर्न्स में इस्तेमाल किया था, वैसे वैसे आपको कैलेंडुला का मदर टिंचर लगातार प्रयोग करते रहना है। एक अन्य स्थिति तब होती है, देखिएगा, जब आपके शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ब्लिस्टर्स वाली स्थिति में, फफोले वाली स्थिति में कैंथेरिस एक बहुत अचूक औषधि होती है। कैंथेरिस आप लें, कैंथेरिस लें, आर्सेनिकम लें और कॉस्टिकम लें, क्योंकि अब आपको जले हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो इसलिए एकॉन का ज्यादा प्रयोग नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे कि कैंथेरिस, आर्सेनिकम एल्बम और कॉस्टिकम तीनों दवाइयों के 30 पोटेंसी मिलेंगे और इसके 5-5 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिलाएंगे और उसको हम दिन में 3 या 4 बार लेंगे। लेकिन यहां भी हम कैलेंडुला के मदर टिंचर को लगातार लेते रहेंगे, जैसे मैंने पहली स्थिति में बताया था, सुपरफिशियल बर्न्स वाली स्थिति में आप कैलेंडुला को लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि कैलेंडुला को लेने से आपको सेप्टिसीमिया नहीं होगा, आपको जलन नहीं होगी, आपको दर्द नहीं होगा।
आप देखेंगे कि इस कैंथरिस वाले मिक्सचर को लेने से, कैंथरिस, कॉस्टिकम और आर्सेनिकम के मिक्सचर को लेने से आपके 2 दिन के अंदर आपके ब्लिस्टर्स ठीक हो जाएंगे। सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाओं का असर बिल्कुल आश्चर्यजनक ही होता है। हाँ, आप उन्हें सही तरीके से लें। अगली स्थिति होती है जब जलने के बाद आपको बहुत गहरे जख्म हो गए हों और आपके शरीर की स्किन अल्सरेशन की स्थिति में पहुंच गई हो, तब हम इस अवस्था में हम इन दवाइयों को लेंगे, कैल्केरिया सल्फ, कार्बोलिक एसिड, बैलिस्पैरनेस और आर्सेनिकम। आमतौर से बैलिस्पैरनेस को सभी होम्योपैथ जलने में प्रयोग नहीं करते, लेकिन मेरा अपना विशिष्ट अनुभव रहा है कि बैलिस्पैरनेस डीप मसल बर्न्स जिस समय होते हैं उस समय यह चमत्कार घटित कर सकती है। तो इसलिए मैंने इस घोल में, इस दवाई में बैलिस्पैरनेस को शामिल किया है। इसके अलावा कैल्केरिया सल्फ, कार्बोलिक एसिड और आर्सेनिकम जलने के विषय में स्थापित दवाइयां हैं। हम कैलेंडुला का प्रयोग वैसे ही करते रहेंगे जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि यह घाव पर होने वाले किसी भी किस्म के सेप्टिसीमिया को रोकती है। आजकल के जिस युग में आपके पास बहुत बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक दवाइयां आई हैं, कई बार देखने में ऐसा लगता है कि कैलेंडुला जैसी बहुत सामान्य औषधि क्या कर पाएगी, लेकिन जब आपकी अन्य सभी दवाइयां फेल हो जाए, आपकी दूसरी चिकित्सा प्रणालियां कुछ भी उसमें चमत्कार घटित ना कर पा रही हो और जलने से पीड़ित व्यक्ति लगातार उसकी हालत बिगड़ती जा रही हो, तब आप उसको कैलेंडुला का घोल देकर देखिएगा और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि बड़ी बड़ी दवाइयों के फेल होने के बाद भी कैलेंडुला ने आपके पेशेंट की सेप्टिसीमिया को वहीं कंट्रोल कर लिया है। तो यदि डीप अल्सरेटिव बर्न्स आपके पास आ गए हों, उस डीप अल्सरेटिव बर्न्स के लिए आप कैल्केरिया सल्फ, कार्बोलिक एसिड, बैलिस्पैरनेस और आर्सेनिकम एल्बम के घोल को देंगे। 200 पोटेंसी में लेंगे, हर एक 5 टपके, 5 ड्रॉप्स, आधा कप पानी में लेंगे, दिन में 3-4 बार देंगे, ज्यादा बार भी दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि इनके लेते लेते ही 2 या 3 दिन में आपके पेशेंट की हालत में बहुत परिवर्तन आ जाता है, पॉजिटिव साइंस नजर आने लगते हैं और आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाता है। हम आशा करते हैं कि दीपावली का यह त्योहार आपके लिए खुशियां लाए और आप एक सेफ दिवाली मना पाएं। लेकिन यदि किसी कारण से कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए हमने आज का वीडियो दिया है। इसके बाद हम अन्य विषयों पर भी वीडियो लेकर दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी रहे, उसके बारे में आप अपडेट रहें। दोबारा वीडियो लेकर उपस्थित होने तक नमस्कार। Thank you.